Your love. और सब गाइस कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम है आपका आरएक्स के फैमिली में, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया यार फटाफट से कर दो। और आज का जो पार्ट है हमने अपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, जो कि हमारे आरएक्स का सीट जो कि पूरी तरीके से मतलब फट गया था और बहुत ही बेकार कंडीशन हो गई थी उसकी। तो मैंने रिसेंटली सोचा था कि इसको सीट कवर या फिर कुछ अलग सा मतलब रेडी करेंगे, कवर लगा के या फिर कुछ पैच वैच वर्क करके। तो मैंने सिंपली मैं सीट वाले के पास गया, तो उसने बोला यार इसका तो फोम बहुत ही बिगड़ गया है, तो हमने नया सीट बनवा लिया है और वो सीट आज आ चुका है। आज नहीं कल आया था, तो वीडियो आज बना रहा हूँ। तो और भी मैंने बहुत सारे एसेसरीज लाए हैं, जैसे कि इंडिकेटर और RX100 का मोनोग्राम मतलब आगे वाला, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, और स्पीडोमीटर केबल और सब कुछ बहुत बहुत छोटे छोटे सामान है मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, और बाद में सीट का भी हालत दिखाऊंगा कैसा था पहले। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या लाया हमने। गाइस टेंटेड एंड यहाँ पर है हमारा नया सीट, जो कि एकदम कूल और हमने क्लासिक बनाया है, जैसे कि ओरिजिनल होता था पहले वैसे ही बनाया है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, इसका मतलब लगभग हमने सब कुछ नया डलवाया है, जैसे कि ये फाइबर और कवर और अंदर का जो कुशन रहता है, जो कि इसको बोलते हैं क्या बोलते स्पंज, वो भी नया लगाया है, और इसको स्टील बीडिंग भी किया है ताकि थोड़ा क्लासिक लुक आ जाए। और ये देख सकते हो आप पीछे यामा का लोगो, ये थोड़ा सा गंदा हो गया, यहाँ पर रखा था तो इसको अभी फ़िलहाल साइड में रखते हैं। और क्या लाया है मैं आपको दिखा देता हूँ। और गाइस हमने लाया है दो इंडिकेटर, यहाँ पर रख देता हूँ, दो मतलब टोटल चार है, आगे का दो पीछे का दो, तो यहाँ पर रख देता हूँ। और क्या लाया है हमने, स्पीडोमीटर केबल, और ये है एक RX का मोनोग्राम, RX का नहीं सॉरी यामा का मोनोग्राम जो कि आगे लगेगा। तो बेसिकली इतना कुछ सामान है, और एक जो मैंने केबल लाया था जो कि हमारी ES पे लगने वाली है, उसका भी वीडियो आएगा। पहले इसका कॉन्सेप्ट पहले हम लोग ख़त्म कर देते हैं, तो ये सब आज नहीं इंस्टॉल करेंगे। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ सीट का है। तो पहले सीट मैं आपको ओल्ड वाला कंडीशन दिखाता हूँ, इसको पहले हम रखते हैं अंदर लॉकर में हमारे सेफली, ताकि कोई उठा के लेके ना जाए। हमारे लिए तो यही सब कुछ है, सोना या फिर कह सकते हो आप लोग, ये देख सकते हो आप गोल्ड, और स्पीडोमीटर केबल भी रखते हैं फिलहाल अंदर, ताकि बारिश बहुत आता है तो बाय बाय आज आपका काम नहीं होगा। तो फटाफट से आपको मैं पहले सीट ओल्ड सीट का कवर दिखा देता हूँ और कैसा कंडीशन है, आप देख के पूरा हिल जाओगे बाबू राव की तरह। तो फटाफट से देख लेते हैं। सो गाइस ये रहा ओल्ड मतलब सीट का हालत, जो कि पूरी तरह से बिगड़ गया है। इसके ऊपर और भी एक पहले मतलब कवर चढ़ाया हुआ था, तो इसको हमने वायर से ऐसे ही बांध दिया था, ताकि इसमें जो स्क्रूस है वो भी जंग लग के पूरा रस्टेड हो गया। तो इसको वायर से मैं निकाल देता हूँ बाहर, और ये देख सकते हो, अरे बाबा ये तो हाथ में ही आ गया यार। तो वैसे आप देख सकते हो इसका पीछे वाला जो भी फोम है एकदम पूरा सड़ गया है, और शायद से इसको पहले प्लास्टिक वाला फाइबर मतलब ये क्या बोलते हैं लोखंड वाला था लगता है मेरे को, क्योंकि इसमें छोटे छोटे मेटल के पार्ट्स हैं। तो इसमें और एक आता है इसका स्टील लोखंड वाला, ये क्या बोलते इसको सीट कॉल, तो वो ओनर ने शायद बदला होगा। तो इसका भी हालत बहुत ही ख़राब है, आप देख सकते हो ये आगे वाला जो लॉक रहता है वो टूट गया था, और स्क्रूज भी सारे रस्टेड हैं। तो इसको रखते साइड में फिलहाल। तो मैंने क्या सोचा कि इसका अगर हमने पूरा ही काम करना है तो नया ही कर लेंगे, या फिर आधा ओल्ड सीट हो जाएगा आधा नया सीट हो जाएगा, तो इसमें मज़ा नहीं आएगा। तो इसको फ़िलहाल रखते हैं साइड में, और हमारे नए प्यारे से सीट को एकदम यार नया वाला, जैसे कि केक सा मेरे को फील आ रहा है, एकदम सॉफ्ट है, और यहाँ पर भी टेक्सचर एकदम स्मूथ है। तो आप देख सकते हो कैसा लुक आ रहा है। तो फटाफट से मैं पहले ये जो वायर भी और बंधा है इसको निकाल लेता हूँ, और बाद में
अच्छे से इसको इंस्टॉल करेंगे। सो गाइस थोड़ा बहुत यहाँ पर रस्ट है, उसको भी क्लियर करेंगे हम लोग बाद में। तो इसका मैं वायर निकाल लेता हूँ फटाफट से, ये गया बाजू में। सीट का ये प्रॉब्लम बहुत दिनों से हो रहा था गाइस, क्योंकि ये बार बार चलाने टाइम भी सीट पूरा हिल रहा था। तो फटाफट से निकाल लेते हैं इसको। वायर मैंने ऐसे ही टेम्पर बांध दिया था, तो इसको फटाफट से निकाल लेता हूँ मैं। अरे निकल जा यार, बहुत ही टायर्ड बांधा था मैंने, तो निकल गया। और हमारे बारी आ गई है नए सीट की, बहुत ही कूल लग रहा है। तो गाइस बेसिकली इस सीट का आप देख सकते हो फाइबर भी हमने नया डलवाया है, एकदम कैसे चमक रहा है वाइट वाइट। और इसमें 4 बोल्ट है और आगे का ये लॉक आगे लॉक हो जाएगा। और ये हमें 4 बोल्ट की ज़रूरत नहीं है, 2 बोल्ट ही है पीछे लगाने के लिए होल। तो ये 2 बोल्ट हम खोलेंगे नहीं, इसको टाइट करके वैसे ही रख देंगे और ये 2 बोल्ट पे फिक्स करेंगे और आगे का जो क्लैंप है उस पर। तो गाइस फ़िलहाल इसको मैं ऐसे बिठा के डायरेक्ट इंस्टॉल करना है, बहुत सिंपल है ये सभी, मतलब बच्चे भी, बच्चे नहीं यार, ऐसे कोई भी कर सकता है सीट का। तो मैं इसको अच्छे से मतलब सेट करके लगा देता हूँ, इसको लॉक करके बाद में स्क्रू निकाल के डाल देंगे पीछे से। सो गाइस इसको सिंपली इस होल के अंदर डाल देना है, इसको ये 2 रहता है पिन जैसे, तो इसको लगा देता हूँ मैं पहले। ये 2 नट्स को मैंने पहले ही निकाल दिया है, तो सिंपली इसको डाल देता हूँ मैं इसको सेट करके। सो गाइस मैंने इसको फटाफट से बिठा दिया है, इसको मतलब ऐसे आगे लगा के स्क्रू में इसके जो बोल्ट्स होते हैं उसको लगा के। अभी बोल्ट्स टाइट नहीं किया है फिलहाल, तो ये देख सकते हो आप, ये साइड में है और एक वो साइड में, तो बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है और अच्छे से फिटिंग हो गया है। तो ये नट्स को पहले मैं फटाफट से डाल देता हूँ, बोल्ट्स को, और बाद में दिखाता हूँ इसका एक प्यारा सा आपको स्लो मोशन। सो गाइस फाइनली मैंने स्क्रू को टाइट कर दिया है और सीट जो है बहुत अच्छे तरीके से टाइट हो गया, अब भी ज़रा भी नहीं हिल रहा है आगे से और पीछे से दोनों तरीके से। तो दोनों स्क्रू मैंने अच्छे से टाइट कर दिया है और ये रहा आपका लुक, देख सकते हो आप। एक मैं सिनेमेटिक वीडियो में आपको दिखाऊंगा, ये रहा यामा का लोगो जो कि प्रिंटेड आता है सीट में ही, तो देख सकते हो आप। और इसमें यार बहुत ही मतलब यूनिक दिखता है, ये जो है बीडिंग है हमने किया है स्टील बीडिंग, और कवर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये थोड़ा सा हार्ड है, हालांकि अभी ये नहीं, आप समझ सकते हो कि ये नया सीट है, तो इस पर बैठ बैठ के हम लोग इसको मतलब सॉफ्ट कर देंगे, आपको पता ही है ना। तो नया है और फोम भी नया है इसलिए थोड़ा हार्ड है, और ये बहुत सॉफ्ट था तो आप देख सकते हो ऐसे दब रहा था, तो ये से आसानी से नहीं दब रहा है। तो एक आप सिनेमेटिक इंजॉय करो और देखो कैसा है। You don't know what goes on behind these eyes. You don't know the loneliness hidden inside. You don't know I wanna eat you up alive. Come and get to know me, my type of wild. I'm the kind that spins you and hangs you dry. Well, I'm already on to another side. If you gave me your whole life, I would still have room for more. Cause I've got that appetite. बस सीट इंस्टॉलिंग तो आपने देख ही लिया होगा, और बाकी कुछ नहीं है, वो सब सामान जो है वो हम लोग अगले वीडियो में बिठाएंगे और आपको वीडियो के साथ पूरा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि सभी जो पार्ट्स एक ही वीडियो में बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा और आप भी बोर हो जाएंगे और मैं भी बहुत थक जाऊँगा। तो इस वीडियो में और एक जो काम है हम लोग करेंगे, जो कि है मड फ्लैप, जो कि है पीछे वाला मड फ्लैप। तो आपको, आप लोग नहीं समझते, मड का जो कैरियर है पीछे वाला, ऐसे ही आपको बोलना पड़ेगा, तो ये बहुत गंदा हो गया था, तो मैंने इसका जो पीछे वाला के क्या बोलते हैं इसको, अरे यार मडगर, तो वो जब मैंने पेंटिंग के लिए निकाला था तो उस टाइम ये निकाला था, तो ये बहुत गंदा हो गया, तो इसको मैंने एक बार क्लीन करके फटाफट से लगा देता हूँ और वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और आप भी मतलब हो जाओगे क्या बोलते हैं उसको,
बेकार और मैं भी हो जाऊंगा बेकार। तो नेक्स्ट बेकार नहीं बेकार, अरे यार क्या बोलते हैं इसको, तो फटाफट से इसको बैठाते क्लीन करके और करते काम स्टार्ट। सो गाइस अभी मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ ब्रश से, ये बहुत ही जम गया है। क्या हुआ तेरा वादा, तो गाइस कल ही लगा दिया था। और जो भी मतलब पानी और कचरा जो भी टायर से चिपक के मतलब ऐसे घूमता था, तो वो पूरा कचरा यहाँ पर जमा हो जाता था। यहाँ पर आप देख सकते हो ये अभी क्लीन कर दिया है मैंने, तो वो सब होता था ये मड फ्लैप ना होने के कारण। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा कचरा इधर ही रहता है इसके कारण, तो बहुत ही एक मतलब अच्छा है, वरना यहाँ पर पूरा ये इसको जंग लगा देता था। तो मैंने इसको क्लीन कर दिया है और इतना ही था, इसको बिठा दिया है। अभी इसको भी क्लीन करेंगे बाद में पानी से। तो इतना ही था इस वीडियो में, और ये देख सकते हो प्यारा सा सीट, और इतना ही था इस वीडियो में, और मिलते हैं आप गाइस। मतलब कल मैं वीडियो ख़त्म नहीं कर पाया तो आज ही कर रहा हूँ। तो इतना ही था इस वीडियो में गाइस, आपने बिठा सीट इंस्टॉलेशन का भी देख लिया, और मड फ्लैप भी कल ही हमने लगा दिया था तो अच्छे से हो गया। अभी नेक्स्ट में पार्ट में हम लोग बहुत ही मतलब अलग अलग इंस्टॉल करने हैं। सो गाइस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंडिकेटर या फिर जो स्पीडोमीटर केबल है वो इंस्टॉल करेंगे। तब तक आप स्टे ट्यून रहना, और मैं भी बहुत दिनों से व्लॉग्स नहीं बना रहा, तो मैं भी बहुत मतलब कुछ भी बोल दे रहा हूँ, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।